विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी कमेंट आई थी, बहुत अच्छी कमेंट आई थी कि सर हम अपना घर ले रहे हैं लोन लेके, ठीक है, हम अपना हम ग्रांट पर रहते हैं, हम लोन ले रहे हैं, क्या हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सवाल ना बहुत सारे लोगों का कि सर हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इसको एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कितना कितना लोन लेना चाहिए और कैसे लोन लेना चाहिए, किस तरीके से आपको लोन लेना चाहिए, आपको फायदा होगा इस वीडियो से। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है बस मेरी, ठीक है। और एक छोटी सी बात और कह दूंगा मैं कि यार बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। अब जीवन जो है दूसरे तरीके से हमारा मोड़ ले रहा है, तो थोड़ा समय खराब चल रहा है, तो इसीलिए चैनल को सपोर्ट करना और ना वीडियो बनाने में प्रॉब्लम जो आ रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि आपको डेली टू डेली वीडियो देने की कोशिश करूं, ठीक। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए चलते अपनी वीडियो की तरफ आइए। लोन, लोन एक ऐसी चीज है जिसे आप लो या ना लो, ठीक है, लेकिन लोन एक ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, जिसका फायदा बहुत होता है। देखो हर चीज होती है उसका फायदा बहुत होता है, लेकिन नुकसान भी बहुत होता है। लोन एक ऐसी चीज है, यदि आप इसे सही तरीके से चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, लेकिन जहां इसमें आपने थोड़ी सी ढील छोड़ी वहीं दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक। कमेंट के ऊपर ही बात करेंगे, जो कमेंट आई थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि सर हम मकान ले रहे हैं, ठीक है, मैं रेंट पे रहता हूँ, अब मैं मकान लेना चाह रहा हूँ, क्या मैं मकान ले लूं लोन पे। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, देखो पहले आप ये एनालाइज करो कि आपकी सैलरी कितनी है। आपकी सैलरी यदि 18, 20, 22, 25, 30 हजार तक है तो आप लोन लो, लेकिन मसला ये आ जाता है कि आपको लोन लेना कितना चाहिए, ठीक। लोन हमेशा उतना लो जितनी आपकी सैलरी है ना, जितनी आपकी सैलरी है उससे एक तिहाई या आधे का हिस्सा लेके देखो, ठीक। अगर आपकी 30 की सैलरी है, 30,000 रुपए आप महीना कमा रहे हो, तो आप ये देखो कि 10-12,000 रुपए उसकी ईएमआई होनी चाहिए। और वो बंदे की कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लेके जाओगे इस वीडियो से, ठीक भाई। लोन आपको, एक तो मेरी बात तो ये रहती है कि लोन लो ही ना, ठीक है, क्योंकि मेरा रिकवरी का काम है, तो मुझे पता है रिकवरी का किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं तो यही कहूंगा कि लोन लोन लो ही ना, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है हमें लोन लेना पड़ता है, ठीक है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें लोन लेना पड़ता है और लोन लेके ही काम करना पड़ता है। लोन अच्छी चीज है, जैसे होता है ना मोबाइल फोन, मोबाइल फोन अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, लेकिन मसला वही है कि उसका यूज कैसे हो रहा है, ठीक भाई। आपने मकान परचेस कर लिया, अगर आपकी 30 की भी सैलरी है तो आप 15 लाख तक का एक अच्छा सा मकान देख लो जिसमें आप रह सको, 15 का देख लो, 20 का देख लो, क्योंकि लोन भी जो होता है वो पूरा तो होने का नहीं है। अगर 30 लाख का या 20 लाख का मकान है तो उस पे बैंक 15 लाख, 18 लाख रुपए तक लोन कर देगा, ठीक है, 18 लाख रुपए तक भी लोन कर दिया तो उसे जो बनवाना है ना, देखो सबसे बढ़िया जो सीन है लोन को चलाने का, जो बढ़िया पर्पस होता है वो यही होता है कि आप उसकी ईएमआई ज्यादा लेके चलो, ठीक, ज्यादा का मीन्स मतलब कि लंबा टाइम तक लेके चलो उसे। अगर आपका बैंक बना रहा 7 साल का केस बना रहा, तो आप उनसे यूं कहो कि 10 साल का बनाओ, 15 साल का बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप 15 साल तक चलाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है जो लोन का जो प्राइस होता है भाई 10 लाख रुपए, तो बैंक वाले ने आपको बता दिया कि लोन हो गया, आपका आरओआई सेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट तय हो गया, आपकी सब चीज तय हो गई, आपकी किट साइन हो गई, तो आपके दिमाग में होता कि यार 15 साल का केस है, ठीक है, अब 15 साल में तो इसमें 10 लाख पे 8 लाख रुपए फालतू जा रहे हैं, 9 लाख रुपए फालतू जा रहे हैं, तो आप ये देखो कि आप 15 साल तक उसे चलाओगे, कोई गारंटी है आपकी, तो उसे अगर आप 15 साल तक चलाओगे तो ब्याज तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट भी करते हो तो अगर आप 2 लाख की भी करोगे 10-15 साल के लिए, वो भी बढ़िया आपको रिवेन्यू दे के चले जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको लंबे टाइम का बनाना और उस पेमेंट में, उसमें पार्ट पेमेंट करनी है, ठीक है, उस अकाउंट में जो लोन अकाउंट है उसमें आपको पार्ट पेमेंट करनी है। पार्ट पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी 10,000 रुपए की किस्त है, आपकी 12,000 रुपए की किस्त है, आपने 15,000 रुपए एक जगह जोड़ लिए, 10-12,000 रुपए आपने अपनी ईएमआई दे दी, ठीक है, बचे 15,000 रुपए। फिर ऐसे आपको करना, 6 महीने 50-60,000 रुपए जोड़ लिया आपने,
ठीक 50-60 हजार रुपए जैसे जुड़े, 50 हजार रुपए जाके बैंक में जमा कर दिए, अपने लोन अकाउंट में जमा कर दिए, तो जो पैसा है, जो आपका लोन का पैसा, उसका जो पार्ट है उसमें से 50,000 वो जो कम हुए उसका आपको बेनिफिट मिलता है। उसमें जो आपका इंटरेस्ट जाने वाला है लॉन्ग टर्म में, वो आपको इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और ब्याज भी कम हो जाता है और आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, लोन हमेशा जब भी चलाओ उसे लंबा समय तक चलाओ, और लोन जो है, लोन लो तो लंबे समय के लिए, ठीक है 10 साल 15 साल जितने भी लंबे टाइम के लिए हो जाए उतना लंबा टाइम के लिए लेना चाहिए लोन, लेकिन उसे जो खत्म करना चाहिए उसे आधे में ही कर देना चाहिए। अब वो ऐसे खत्म होता है कि जैसे झटके की पेमेंट आ जाती है, झटके की मतलब कि क्या भाई, कहीं से 1,50,000 रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, 3 लाख रुपए आ गए, वो उठा के सीधा अपने लोन अकाउंट में कर दो, बहुत बेनिफिट होता है इस तरीके से लोन लेने में। ठीक है, और अगर आप मकान लेना भी चाह रहे हो तो हाउसिंग लोन लो बढ़िया करके, ठीक है, लेकिन आरओआई उस पे भी 8-9 तो मिलना ही मिलना, 9-10% मिलेगा, लेकिन उसे आपको लेना तो लंबे साल के लिए, ये भाई आपने ले लिया 10 साल 15 साल 20 साल। ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने 30-30 साल के लिए लोन ले रखे हैं, बड़े बड़े लोन है, और लेकिन वो खत्म करते हैं 5-5 साल में, 7-7 साल में, बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।